हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्दहरि मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित महाराज परीक्षित का इस संसार में जन्म हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस महान राजा को राज्य देकर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। क्यों? भगवान कहते हैं कि इस संसार में आने का कारण है धर्म संस्थान पर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्था करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए मैं संसार में आता हूँ। और हमने देखा महाराजा परीक्षित के अंदर कितने महान गुण हैं जो एक वास्तव में एक धार्मिक राजा के अंदर होने चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सुंदर महाराजा परीक्षित के हमने गुण पढ़े। आज श्लोक नंबर 26 में सूत गोस्वामी और भी अधिक बता रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों के द्वारा ये ब्राह्मण लोग जो महाराजा
युधिष्ठिर को महाराजा परीक्षित के गुणों के विषय में बता रहे हैं, वे आज कहते हैं श्लोक नंबर 26 में, जरा देखिए मेरे साथ, हरे कृष्णा। भगवान इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण कहते हैं, राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिना निग्रहीता कलेरीषि भुवो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिना निग्रहीता कलेरीषि भुवो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिना निग्रहीता कलेरीषि भुवो धर्मस्य कारणात् राजर्षीणां जनयिता, मतलब ये जिन को जन्म देंगे, इनके द्वारा जिनका जन्म होगा वो कौन होंगे, सब राजर्षि होंगे। वास्तव में जो चतुर व्यक्ति होता है, श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, वो राजर्षि होना चाहिए। भले उसके पास कितना ही संसार का वैभव क्यों ना हो, भले कितना ही धन सम, लेकिन जब तक वो उनके अंदर आसक्त है तो फिर वो कभी भी एक अपने जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उनको यूज करना गलत नहीं है, परंतु उनके अंदर जो हमारी आसक्ति है ना, वो हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती है। तो ये बता रहे हैं ऋषिगण राजर्षीणाम जनयिताम कि ये राजर्षियों को जन्म देंगे, इनके जो पुत्र होंगे जन्मजय इत्यादि, वो राजर्षि होंगे, आसक्त राजा नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त बहुत ही सुंदर बात बताएं, शास्ता चोत्पथगामिना, चोत्पथगामिना मतलब जो उत्पत्त करेंगे, जो राज्य में बहुत ज्यादा उत्पत्त क्रिएट करेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, उनको क्या करेंगे, शास्ता, उनको दंड देंगे। ऐसा नहीं है अगर आप राजर्षि हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब शांति से रहना है, अब आपको नैतिकता से रहना है, जो जैसे राज्य में कर रहा है उसको करने दो, आप तो राजर्षि हो तो आपको है ना किसी को दंड नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं है। शांति प्रिय या राजर्षि होने का मतलब ये है कि आपको शासन करना है, हर उस उपद्रव करने वाले को जो कि गलत कार्य कर रहा है, जो कि शास्त्रों की अवहेलना कर रहा है, जो कि मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, करना, उसको दंड देना ही वास्तविक राजा का कर्तव्य है। राजा बने हैं तो हमें हमारे सारे कर्तव्य, तो यहाँ पर बता रहे हैं वो भले ही राजर्षि होंगे और उनके पुत्र भी राजर्षि होंगे, लेकिन शास्ता चोत्पथगामिना हर उस व्यक्ति को दंड देंगे। तो महाराजा परीक्षित दूसरे व्यक्तियों को तो छोड़िए, कलयुग को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी दंडित किया, उनके ऊपर भी शासित किया, उनको भी अपने राज्य में उत्पाद क्रिएट करने नहीं दिया। तो यहाँ बता रहे हैं शास्ता चोत्पथगामिना, जो भी राज्य में उत्पत्त क्रिएट करेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, उनको दंड देंगे। और निग्रहीता कलेरेशे, यानी साक्षात कलयुग को भी और वो निग्रह करेंगे, वो कलयुग का भी दमन करेंगे। और कलेरेशे का मतलब होता है जो उपद्रव, यानी जो झगड़ा इत्यादि करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। तो यहाँ बताएं निग्रहीता कलेरेशे भो धर्मस्य कारण, जो कि धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, धर्म की मर्यादा को तोड़ेंगे, उन सब कली लोगों को, उन सब कलह करने वाले लोगों को दमन करेंगे, उन सबको दमन करेंगे और उन सबको दंड देंगे जो जो उनके राज्य में उपद्रव करेगा। अनुवाद, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रव कार्यों को दंड देने वाला होगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से वास्तविक चतुर व्यक्ति के विषय में बताएंगे कि वास्तव में चतुर व्यक्ति कौन होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं,
संसार में सबसे चतुर व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। अब क्योंकि ये भगवान के भक्त है, हमने पहले पढ़ा कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह के, कृष्ण में इनकी मति इस प्रकार से लगी होगी जिस प्रकार महाराज प्रहलाद की, यानी ये वास्तव में भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक चतुर व्यक्ति कौन होता है, जो भगवान का भक्त होता है। तो ऋषिगण चतुर व्यक्ति कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं। ज्ञान की विविध शाखाओं में तरह तरह के चतुर व्यक्ति होते हैं, अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे चतुर व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के किसी प्रकार के चतुर व्यक्तियों को वश में नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि राजा को चतुर व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जब तक राजा चतुर नहीं होगा तो, क्योंकि राज्य में तो और भी अनेक प्रकार के चतुर व्यक्ति होंगे, उन सबको राजा को क्या करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन तब तक वो इन सबको वश में नहीं कर सकता जब तक कि खुद चतुर नहीं हो, और खुद चतुर ये भौतिक जो थर्ड क्लास की चतुरता जिसको हम बोल रहे हैं वो नहीं कह रहे। श्रील प्रभुपाद जी कहते वास्तविक चतुरता कृष्ण की भक्ति में, यदि कोई वास्तव में कृष्ण का भक्त होगा तो फिर वो वास्तविक सबके लिए लाभ कर सकेगा। वो सब जितने भी दूसरे जो डेढ़ होशियार हैं, जो एक्स्ट्रा चतुर अपने आप को समझते हैं ना, उन सबको वश में कर सकेगा, क्योंकि उनको साक्षात भगवान की शरण प्राप्त होगी। तो ये महाराज परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त होंगे, इसलिए सारे जितने भी दूसरे राजा हैं और दूसरे जितने भी चतुर व्यक्ति हैं वो सब इनके कंट्रोल में होंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से सारे राजा बिना किसी उपवाद के अपने काल के सर्वाधिक चतुर व्यक्ति थे, और ऐसे ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही है। अब महाराजा युधिष्ठिर भले ही वो एक्स्ट्रा अपने आप को, जितने भी राजा दूसरे थे वो उन सबको मानते थे तो के महाराजा युधिष्ठिर ही वास्तव में बहुत ही ज्ञानी राजा हैं और उनको धर्मराज कहा जाता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी ही भविष्यवाणी राजा परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र के विषय में भी की जा रही है। वो बता रहे हैं कि राजर्षिणां जनयिता, कि आपके कुल में जिस प्रकार अभी युधिष्ठिर महाराज से लेकर सारे राजा, उससे मतलब पांडव राजा से और जितने भी राजा आए हैं वो सब क्या है, राजर्षि हैं। इनका पुत्र जो होगा ना वो भी अभी जन्म हुआ है महाराज परीक्षित का, और ब्राह्मणों को तो देखिए उनके पुत्र की भी बता दी कि वो भी बहुत ज्यादा राजर्षि होंगे। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे चतुर राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों तथा कली के विच्छेदकों या झगड़ालु तत्वों को दंडित कर सकते हैं। अब आपके अंदर चतुरता होनी चाहिए, आपके अंदर बल होना चाहिए। इसमें हमने सब गुण देखे महाराज परीक्षित के, कितने बलवान होंगे, दोनों अर्जुन के समान तो धनुर्धारी होंगे, और किस तरह से वो शासन करेंगे कि सबके बारे में बताया कि मृगेंद्र इव विक्रांतो, वो शेर की तरह पराक्रमी होंगे, और निषेधियो हिमवामन, और हिमालय की तरह सबको, सबकी इच्छा पूरी करने वाले होंगे। तो इनके अंदर सारे गुण थे, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा गुणवान, ऐसा चतुर राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों तथा कली के विच्छेदकों या झगड़ालू तत्वों को दंडित कर सकते हैं, जैसा कि अगले अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इनके विषय में। महाराज परीक्षित साक्षात कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांत तथा धर्म की प्रतीक गाय का वध करने का प्रयत्न कर रहा था। अब आगे हम देखेंगे कि कलयुग जो है वो एक गाय का वध करने वाला था, तो फिर महाराज परीक्षित जो है वो उनको दंड देते हैं। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें कलयुग के लक्षणों के विषय में बता रहे हैं कि कलयुग का क्या लक्षण है। कली के लक्षण है सुरा अर्थात शराब, स्त्रियां अर्थात पर स्त्री संघ, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ, और चार कसाईगर अर्थात मांस आहार। ये चार हमारे नियम है वो कलयुग के लक्षण है। तो जो अगर हम इन चार चीजों को करते हैं तो समझो हम कलयुग
के असर में आ जाएंगे, कलयुग के दबाव में आ जाएंगे। इसीलिए भक्ति के अंदर एंटर होते ही हमें इन चार चीजों का परित्याग करना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त राज्यों के चतुर शासकों को चाहिए कि महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करें और किस तरह मर्यादा भंग करने वालों तथा उपद्रव करने वालों जो कि सूरा सुंदरी द्यूत कीड़ा और नियमित रूप से चलाए जा रहे कसाई घरों के मामले से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं, दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि आज के राजा इन सारी चीजों के लिए परमिशन देते हैं, बल्कि उन्हें तो महाराज परीक्षित से ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से इन सब चीजों को नियमित रूप से मतलब नियम इन सब का होना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए और इन सब का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखें। इनका दमन करने से ही शांति, हम समझते हैं कि नहीं ये चीजें हो रही है तो शांति नहीं। आज के राजा को ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें कलह का कारण बनती हैं, सुरा सुंदरी और ये द्यूत क्रीड़ा कसाईघर, तो इनका दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले विभिन्न विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसा होता है कि ऐसे कार्य करने के लिए लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं, तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की किस तरह से आशा की जा सकती है। अतएव राज्य के जनकों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके चतुर बनने की के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो चीज है ना उपद्रव जिसके कारण हो रहा है उसको भी करने दिया जाए, तो क्या करना चाहिए, राज्य को भगवान का भक्त बनना चाहिए और जो भी अनुशासन को इन भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है उसको दंड देना चाहिए तथा कली के लक्षणों को अनुमूल करके चतुर बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कलयुग के जो भी लक्षण है उनका स्टार्ट से खत्म कर देना चाहिए, उनको दमन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में यदि शांति स्थापित करनी है तो ये सबको हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। हम गीले ईंधन से जिस तरह अग्नि नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार से हम ये सारी वस्तुएं करके हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शांति तथा नैतिकता वही फल फूल सकती है जहां महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होगा। आज सब लोग शांति चाहते हैं, जितने भी राजा बने भले चाहे कहीं के भी हों शांति चाहते। तो श्रील प्रभुपाद जी से कह रहे हैं वहाँ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि शांति तथा नैतिकता वहीं फलफूल हो सकती है जहाँ महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों का सिद्धांत का पालन। उनके अनुयायियों का सिद्धांत क्या है, जहाँ पर मांस आहार किया जाता है, जहाँ पर शराब पी जाती है, जहाँ पर परस्त्री संग किया जाता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, वहाँ पर कलयुग का वास है, इसलिए उस जगह से दूर रहना चाहिए। तो यदि हम अपने देश में शांति चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, नैतिकता चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आगे ब्राह्मण लोग कहते हैं, तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रित्य मुक्तसंगः पदं हरे तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रित्य मुक्तसंगः पदं हरे। तक्षकादात्मनो मृत्युम्, तक्षक जो तक्षक सर्प के द्वारा इनकी मृत्यु का द्विजपुत्रोपसर्जिता, उन्होंने जब सुना, उनको जब ऐसा पता चला कि एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है कि मैं तक्षक सर्प के द्वारा
मर जाऊंगा। तो फिर उन्होंने फौरन क्या किया, परपत्स्यत उपश्रुत्य, वो क्या करेंगे, अभी तो भविष्य, अभी तो जस्ट वेदा हुए हैं और ब्राह्मण लोग कितने ज्योतिष विद्या में निपुण हैं कि उनकी मृत्यु का बता रहे हैं कि जब उनको पता चलेगा एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया है कि वो तक्षक सर्प के द्वारा मर जाएंगे। उपश्रुत्य उपश्रुत्य सॉरी प्रपश्यत उपश्रुत्य, उन्होंने जब ऐसा सुना तो फिर उन्होंने क्या किया, शरण ग्रहण करने पर मुक्त संग पदम हरे, उन्होंने समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर दिया। वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसको जैसे ही पता चले कि मैं मरने वाला हूँ, वो सबसे पहले क्या करे, मुक्त संग पदम हरे। तो यहाँ पर ये तो परीक्षित महाराज का बहुत बड़ा उनके ऊपर कृपा दी भगवान की कि उनको पहले पता चल गया, तो उन्होंने इस श्राप का बहुत सर्वोत्तम लाभ उठाया। लेकिन हम सबका पता है कि हम सबको भी मरना है, हमारे पास तो पता नहीं 7 दिन भी हैं या नहीं है, तो क्या करना चाहिए, मुक्त संगम पदम हरे, सब आसक्ति को समाप्त कर देना चाहिए और भगवान हरि के चरणों में शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही शिक्षा देते हैं हमें परीक्षित महाराज। अनुवाद, वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। मतलब जैसे इसको पता चलेगा कि मेरी मृत्यु, ब्राह्मण पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर, तो उन्होंने इस श्राप का बहुत ही सुंदर उत्तम लाभ उठाया और समस्त जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका परित्याग कर दिया, भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान की शरण ग्रहण कर दी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं भौतिक आसक्ति बनाए रखते हुए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर सकता हूँ, नहीं, आप भौतिक कर्म तो कर सकते हो, भौतिक कर्म जो है वो आपके लिए बाधा नहीं है, लेकिन भौतिक व्यक्ति और भौतिक वस्तुओं की जो आसक्ति है और भगवान की शरण ग्रहण करना, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। जब तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं होती है तब तक भगवान के चरणों की शरण प्राप्त नहीं होती। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। वो वास्तव में आसक्ति क्यों है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दिव्य सुख क्या है, क्योंकि भगवान की शरण में इतना आनंद है भगवान की भक्ति में कि फिर भौतिक आसक्ति समाप्त होनी चाहिए। यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है तो समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है जो भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है। और बाकी जितने भी दुर्भावनाएं हैं, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं अर्थात क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो सब काम से उत्पन्न हो रहे हैं, काम आसक्ति से उत्पन्न हो रहा है। तो ये भौतिक आसक्ति जो है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख की प्रति अज्ञानता। तो हमें पता ही नहीं है भगवान का सुख क्या है, इसीलिए भौतिक वस्तुओं की ओर आसक्ति है। लेकिन जब तक ये आसक्ति बनी रहेगी तब तक हम भगवान की शरण को कम्प्लीटली ग्रहण नहीं कर सकते। इस संसार में रहते हुए भगवत भक्त भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है, और जब यह प्रौढ़ हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उपचार बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से भगवान मतलब भौतिक आसक्ति को खत्म कर सकते हो। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, जो गुरु महाराज ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उनको फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, अभ्यास हो रहा है। और अभ्यास करने
के साथ साथ जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा प्रौढ़ हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम इस अभ्यास को करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। जब तक हृदय के अंदर एक भी आसक्ति रहे थोड़ी सी भी वस्तु को प्राप्त करने की या वस्तु को भोग करने की आसक्ति जब तक जीव के अंदर है, तब तक वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। जब समस्त आसक्ति खत्म हो जाएगी और केवल कृष्ण चरणों में आसक्ति बने रहेगी, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बताए मुक्त संग पदम हरे, मुक्त संग भौतिक आसक्ति खत्म की तो भगवान के चरणों को प्राप्त किया, तभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के घर में रहते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के 7 दिन के भीतर ही उन अपनी मृत्यु की सूचना उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम जाने की तैयारी कर सके थे। पहले ही भगवान की ओर आसक्त थे, अनुरक्त थे, परंतु क्योंकि राजा बने थे तो उनको राज्य कार्य भी करना था, लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि उनको पहले ही पता चल गया कि 7 दिन के बाद मरना है मुझे, तो फिर फौरन से सब कुछ का परित्याग कर दिया और ताकि वो आगे अपने भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी कर सके। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए सीरियसली तैयारी शुरू करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस श्राप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्हें इस तुच्छ बात के लिए अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं था। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत छोटा लाभ है। छोटा लाभ, तुच्छ लाभ क्यों है? जीवन बहुत जी, एक राजा है, स्वस्थ है, नौजवान है, तो उसकी कितनी विशेष होगी। अभी भी हम देखते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मरीज बिस्तर पे बेड पे मरने वाला होता है, फिर भी बोलता है महाराज, डॉक्टर को बोलता है किसी तरह से मुझे 4-6 महीने और जिंदगी दे दो, मुझे एक काम और भी करना है। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये नहीं कहा सिर्फ 7 दिन, 7 दिन के बाद मुझे मरना है, मैं भगवान को बोलता हूँ। वैसे भी भगवान तो मेरी रक्षा करते ही हैं, पहले भी रक्षा की है, अभी भी मैं भगवान को बोलूंगा, भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तुच्छ लाभ को प्राप्त करना उपयुक्त नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इस तुच्छ बात के लिए अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया, प्रत्युत उन्हें इस श्राप का सर्वोत्तम लाभ उठाया। वास्तविक लाभ क्या है? मरने वाले तो सब हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि हम किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से मरने की क्रिया को हम सफल करते हैं, वो है वास्तविक ज्ञान। तो उन्होंने सर्वोत्तम लाभ उठाया, उन्होंने लगातार 7 दिन तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम सुनी और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सके, यही वास्तविक लाभ है। हमें भी मरना है और हमें भी क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना चाहिए, उपयुक्त पात्र से श्रील प्रभुपाद जी से हम श्रवण कर रहे हैं और बेशक इसी से हमारी हमें सदगति प्राप्त होगी और भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।